उसे ये काम करना पड़ रहा है। मुझे बार बार बाजार जाना पड़ रहा है, मुझे बार बार पैसे मांगनी पड़ रही है। सो गाइज, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज लाइफ में बोलने होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं पढ़ रहा है या फिर पढ़ रहा था। इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे हैविंग टू, हैविंग टू। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है हैविंग टू, इसके बाद वर्ब या फिर अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। मुझे बार बार पैसे मांगनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू आस्क फॉर मनी अगेन एंड अगेन। आई एम हैविंग टू आस्क फॉर मनी अगेन एंड अगेन। उसे ये काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डू दिस वर्क। ही इज हैविंग टू डू दिस वर्क। मुझे बार बार बाजार जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट अगेन एंड अगेन। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट अगेन एंड अगेन। मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू डू स्ट्रगल अलॉट। आई एम हैविंग टू डू स्ट्रगल अलॉट। तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू रीड अगेन एंड अगेन। यू आर हैविंग टू रीड अगेन एंड अगेन।